राजस्थान कांग्रेस सरकार संविदा पर और गैस फैकल्टी पर भर्तियां निकालकर राजस्थान के लाखों युवाओं का अपमान कर रही है और धोखा कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी संविदा भर्तियों का विरोध कर रही है और संविदा भर्तियों को युवाओं का अपमान बता रही है। वहीं कांग्रेस के नव नियुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो खुद गुजरात में सरकारी भर्तियों को निकालने का ऐलान कर रहे हैं और जो ठेके पर और संविदा पर भर्तियों का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है। वहीं राहुल गांधी जी राजस्थान का मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं और संविदा से स्थायी भर्ती करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में संविदा मॉडल लागू क्यों किया जा रहा है? यदि कांग्रेस सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती है तो हम 9 फरवरी को राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक तहसील हर युवा तक जाया जाएगा और युवा जागृति अभियान चलाकर इस कांग्रेस सरकार के निर्णय का विरोध किया जाएगा। साथ में जो राजस्थान के बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है उनकी विभिन्न मांगों को नहीं माना जा रहा, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, बजट की घोषणाएं अधूरी है, जो बेरोजगारों से आंदोलन की समझौते वो तमाम मांगें अधूरी है, युवा परेशान दुखी है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, तमाम मांगों को लेकर 9 फरवरी को युवा जागृति एक यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। कांग्रेस सरकार के कथन और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब खिलाफ है तो राजस्थान में संविदा मॉडल क्यों अपनाया जा रहा है? इनकी आने वाली तमाम भर्तियों को खत्म करके राजस्थान के युवाओं के साथ एक बड़ी साजिश, उनके भविष्य के साथ एक बड़ी साजिश की जा रही है। भर्तियों को खत्म किया जा रहा है और युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संविदा मॉडल राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं, जो संविदा में भर्तियां निकाली जा रही है, इसका खुला विरोध करते हैं और सरकार नहीं मानती है तो 2023 में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और 9 फरवरी से कांग्रेस के खिलाफ प्रत्येक गाँव और तहसील में हम यात्रा निकालकर विरोध जताएंगे।